इतनी भरी बेरोजगारी में भी, कितनी बड़ी बेरोजगारी है, आए दिन खबर आते रहती है, अरे जानते हो उसका बीएचयू में हो गया, उसका बिहार में हो गया। ऐसी स्थिति में भी कि जब जेएनयू के स्टूडेंट एडहॉक का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, एडहॉक का, परमानेंट का नहीं, तो पूछते हैं कहां से आए हैं, कहता है जेएनयू से। अच्छा बताइए कन्हैया कुमार का सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? तब इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताइए इन पर दया नहीं आनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का एडहॉक का टीचर का इंटरव्यू देने गए हैं तो फूको के बारे में पूछो, कन्हैया के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि यह पैरामीटर बन गया है देश में, यह पैमाना बन गया है कि अगर आप जेएनयू के साथ हैं तब आप पक्का वामपंथी होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहां खड़ा होकर के यह बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है मैं एक वामपंथी पार्टी से हूं, लेकिन पार्टी का प्रचार थोड़ी करने आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अब की बारी अटल बिहारी की सरकार बनी थी तो उस वक्त राम शरण शर्मा की किताब की होली जलाई गई थी, तब भी क्या कहा गया कि वामपंथी इतिहासकार का किताब जलाया जा रहा है? नहीं, देश का इतिहास जलाया जा रहा था। आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लेफ्ट वर्सेस राइट है, ये पूरी लड़ाई को गुमराह कर रहे हैं। आज की घटना है अहमदाबाद में, गुजरात में, मोदी जी के राज्य में तो कम से कम लेफ्ट नहीं है, होगा कहीं थोड़ा बहुत हो, लेकिन लार्जली तो नहीं है ना। आज अहमदाबाद की सड़कों पर एनएसयूआई के स्टूडेंट को दौरा दौरा के बीवीपी के लोगों ने पीटा है, वहां तो लेफ्ट नहीं था। मैं इस बात पर जोर देकर के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक फ्रेज जेएनयू में अक्सर बोला जाता है, इफ एवरीथिंग इज नॉट राइट गो लेफ्ट। जब चीजें ठीक नहीं है और आप उस पर सवाल पूछेंगे तो आपको पेंट कर दिया जाएगा। पहले वामपंथी कहकर के पेंट किया जाता था, आजकल नए नए शब्द गढ़े गए हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और मुझे उसका सरगना कहा जाता है। अब्बल तो बात यह है कि अब मैं इसको बदनामी के तौर पे नहीं लेता हूं, मैं इसको पुरस्कार की तरह अपने माथे पे लेके चलना चाहता हूं। और फिर कहता हूं कि सुनो भाई साहब, गलत पंगा लिए हो, बिल्कुल गलत पंगा लिए हो। यूनिवर्सिटी ठीक से चुन लेते, हमको आपके दिल का बात मालूम है कि आप जेएनयू पे हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दिल में जियो बसता है, जियो यूनिवर्सिटी। वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी तक नहीं बनी है, जिसकी दीवारें नहीं है, जहां गार्ड भी नहीं है कि गार्ड की सहमति से रॉड लेकर के कैंपस में घुसा जा सके, क्योंकि कैंपस ही नहीं है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है, और वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है तो जिसको हर साल राष्ट्रपति पुरस्कार देना पड़ता है, कितना भारी मन होता होगा सोचिए कि भाई रोज इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ ट्वीट करते हैं, हर बार बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार ले जाता है, ऐसा लगता होगा हा हा इसमें तो मेरा हक था, ये जेएनयू वाले उठा ले गए। और ये जेएनयू से नफरत एक यूनिवर्सिटी से नफरत नहीं है, एक विचारधारा से नफरत नहीं है। देश कैसा होना चाहिए उस देश की परिकल्पना से इनको नफरत है। और वो देश जिस देश में लड़के से ज्यादा लड़कियां पढ़ सकें, है ना आपका जेएनयू ऐसा, है ना हमारा जेएनयू ऐसा? बोलिए बोलिए, मैं यहां से खड़ा होकर के बोलता हूं, देश की किसी यूनिवर्सिटी में रात को 12 बजे अकेले लड़की लाइब्रेरी से निकल करके सुरक्षित सेल्फ डिफेंस में एसिड नहीं पास में रखना पड़े। एबीवीपी की एक लड़की बोली कि सेल्फ डिफेंस में एसिड रखे थे, तो बोले जब अटैक करेंगे तो क्या करेंगे, मिसाइल लेकर के चलेंगे? सुरक्षित अपने हॉस्टल तक जा सकती है, ये कॉन्फिडेंस है आपको दिल्ली के बाहर की सड़कों पर? नहीं।
बोलिए पीएमओ के सामने रात को 12 बजे अकेले घूमिएगा जहां मोदी जी रहते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनके घर के सामने से गुजरिएगा जहां ये ड्रोन ऑल द टाइम घूमते रहता है। ये कॉन्फिडेंस है ना। इस देश के भीतर बगल में मेरे साथ रामा खड़ा था, ये रहा, पूछ लीजिए इसके पिताजी क्या करते हैं। मेरी मां सिर्फ आंगनबाड़ी में नहीं काम करती है, इस कैंपस के 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मजदूरों किसानों गरीबों के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के अधिकार के खिलाफ हैं ये लोग। ये यूनिवर्सिटी पे हमला टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके जब बोला जाता है तो इस एक शब्द के साथ उस देश की परिकल्पना के ऊपर हमला किया जाता है, जिस देश की परिकल्पना में आज भी रोहित बेमुला को पढ़ने का अधिकार नहीं है और उसकी जातिगत पहचान के चलते अगर उसको फांसी लगानी पड़ती है तो हम नहीं मानते हैं आपकी इस परिकल्पना को और वो स्वीकार करते हैं आपकी इस परिकल्पना को। यह आज यहां खड़ा होकर के कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ जी बोलिए ना। आपके देश में जहां आप औरत और मर्द के बीच में भेद करना चाहते हैं, जहां आप अग्रा और पिछड़ा का लड़ाई लगाना चाहते हैं, जहां आप फिर से नए तरीके का छुआछूत हमारे ऊपर थूपना चाहते हैं, जहां आप फिर से एकलव का पढ़ने का अधिकार और उसका अंगूठा नहीं उसका सर फोड़ना चाहते हैं, तो हम आपका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, ऐलान करते हैं यहां से खड़ा होकर के। बोलिए हम ओन करते हैं इस बात को। नहीं चाहिए आपसे, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और है हिम्मत तो आइए, सब कुछ आपका है, आपकी पुलिस है, आपका सिस्टम कहां काम नहीं करता है। अरे हम तो एआई के जमाने में रहते हैं साहब, जूता जूता बतियाइएगा फेसबुक पे जूता का प्रचार आना शुरू हो जाता है। बताइए हमारी यूनिवर्सिटी में जो आप बार बार ये कहते हैं 3000 कंडोम पाया गया, तो यहां पे जो है हिंदुओं का मजाक बनाया जाता है, तो यहां पे आर्मी के खिलाफ बोला जाता है, अल्टीमेटली आप कहना क्या चाहते हैं? एक बात बता दीजिए कि आपको दिक्कत किससे है? हमारी दाढ़ी से, हमारे शॉल से, हमारे झोले से, हमारे चप्पल से? दिक्कत किस बात से है? दिक्कत आपको हमारे होने से है, ये बता दीजिए साहब। ये बता दीजिए कि जैसे ठाकुर अपने घर के बाहर किसी दलित को यह अलाउ नहीं करता था कि तुम जूता पहन करके जाओगे तो हाथ में जूता लेकर के चलो, तुम जेएनयू में पढ़ते हो, जनता के टैक्स के पैसे से पढ़ते हो तो पढ़ने तो नहीं देंगे, जिस टैक्स के पैसे से पढ़ते हो उस जनता को भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे। चिंता की यह बात नहीं है कि यह यूनिवर्सिटी में घुस आए हैं, उससे ज्यादा खतरनाक यह है कि आप देखिए अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपने ही दोस्तों से लड़ना पड़ता है जिसके साथ आपने 15 साल अपनी जिंदगी की बिताई है, जिसके साथ आपने क्रिकेट खेला है, जिसके साथ आप फुटबॉल खेले हैं, जिसके साथ आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। आपका ही पड़ोसी जो कल तक आपका पीठ थपथपा रहा था कि वाह बेटा जेएनयू में टॉप करके आए हो, अचानक से वो संदेह भरी नजरों से हमको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बहस खड़ा किया गया है देश में, हर 3-4 महीने में बहस उठ खड़ा होता है। कल फिर बोले हैं मोटा भाई टुकड़ा टुकड़ा गैंग। एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी ऐसा बकवास करे ना उसको पलट करके एक बात कहिएगा, सुनो दोस्त तुम्हारे हाथ में रॉड थमा दिया है ना, अब बेटा को जय शाह को इंडियन क्रिकेट टीम का बैट दे दिया है बीसीसीआई से खेलने के लिए, कोई क्वेश्चन किया मेरिट को? क्यों कोई क्वेश्चन मेरिट को कि जय शाह का क्या मेरिट है, क्यों उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है? कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? जेएनयू में टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है इनके हिसाब से, और ये तो बड़ा आबाद हो रहा है, अपने ही जैसा हूबहू फोटोकॉपी को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं। नहीं नहीं मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, ये क्या है, कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? देश के भीतर आज शिक्षा की जो हालत है कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है?
फंडिंग की जो हालत है, कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? कितने चीजों का जवाब देते रहिएगा। जब फरवरी की घटना हुई तो जो हमको नहीं भी बेचारा जानता है, हो सकता है कि हमको वोट नहीं दिया हो, उसको भी अपने चाचा मामू के पास हमको डिफेंड करना पड़ रहा था। बताओ यार, पढ़ लिख करके नौकरी किए हो, एक मूर्ख आदमी तुमको ऑर्डर दे रहा है और तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम कन्नन गोपीनाथ की तरह रिजाइन कर दो कि नहीं करेंगे गुलामी तुम्हारी। बात ये एक बात होती है ना, यही सीबीआई जो है वो क्लोजर फाइल की कोर्ट के अंदर क्या कहा कि नजीब कहां गए पता नहीं कर सकते हैं। ये ड्रोन तब कहां मर गया था क्या? तब एआई काम नहीं कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तब किसी का व्हाट्सएप नहीं घूम रहा था? तब किसी का व्हाट्सएप नहीं हैक हो सकता था? तब किसी का कंप्यूटर नहीं हैक हो सकता था? किसको बेवकूफ बनाते हैं, किसको डराते हैं? इस देश की जनता को इस देश की जनता के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्या तर्क था? मैं उस संगठन का नाम नहीं लेना चाहता। ले लें क्या? हाँ, वोल्डन मॉट थोड़ी है कि नाम लेने उसका ताकत बढ़ जाएगा। एबीवीपी का लोग क्या बोला था कि कलेवा देख करके झगड़ा हो गया, तुम पूरा माथा में कलेवा लपेट लो, तुमको कोई मना कर रहा है? बोलिए, जेएनयू में कभी भी किसी को उसका जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस से उसको करने के लिए रोका गया हो? अरे हम लोगों को दाढ़ी बढ़ाने से नहीं रोकता है तो तुमको कलेवा लगाने से कौन रोकेगा? पूरे बहस को कहां शिफ्ट कर दिया, कलेवा लगाने पे। और आज वो मां आज भी उसको ढूंढ रही है कि मेरा बच्चा कहां है, नहीं मालूम है कि क्या हो उसके साथ। फिर ये तर्क दे करके कि जेएनयू के टीचर अपने भीतर कई स्टूडेंट को लेकर के पॉलिटिकल गैंग बनाते हैं, इसलिए एक टीचर के भीतर तीन से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, यही तर्क था ना जी? सीट कट किया गया, सीट कट कर दिया गया, 84% सीट जो है उस पर रीएडमिशन ही नहीं हुआ। तो उनको क्या लगा था, हमारे टाइप के लोगों को जेएनयू से बाहर कर देंगे तो कोई और नहीं होगा? लीजिए, सर फुड़वा के बैठी हुई है, क्या कीजिएगा बोलिए। इस मूर्खता का कोई जवाब है? इनको लगता है कि फीस बढ़ा देंगे तो 40% लोग यूनिवर्सिटी छोड़ करके चले जाएंगे, उसके बाद जो है आपका भजन करेंगे कि आपके खिलाफ रोड पे निकल करके इनकलाब मुर्दाबाद करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? यही जरूरी है, यही जरूरी है कि ये सीट कट किए, सीट कट के खिलाफ उतना बड़ा आंदोलन चला, उसके बाद इन्होंने फीस बढ़ा दी। जब भी चुनाव होने को होता है इनके मुंह में टुकड़ा ठूस देता है, इसीलिए चुनाव में ये सिर्फ टुकड़ा टुकड़ा बोलते रहते हैं ताकि देश की जनता का रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान, न्याय की लड़ाई जो है उसको गुमराह किया जा सके। दिल्ली का चुनाव है, फिर से जो है जनवरी बीत रहा है, फरवरी का महीना है, फरवरी ऐतिहासिक रूप से हम लोगों के साथ जुड़ गया है, तो चुनावी मौके में जब भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, अभी कल नाम अभी एम्स की चर्चा हो रही थी, तो तीनों जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, मीनाक्षी लेखी भी और नहीं रिंकिया का पापा ने मनोज तिवारी नाम है उसका, और तीसरा वो विजय गोयल। अब देखिए मजेदार बात क्या है, मनोज तिवारी जो है वो पूर्वांचल के वोटर को रिझा रहे हैं, बगल वाली जान मारे ली गागा करके रिझा रहे हैं। अब विजय गोयल जो है वो चाहता है कि दिल्ली के लोगों को रिझाया जाए, तो अति उत्साह में स्टेटमेंट दे दिया कि बिहार यूपी का लोग आकर के दिल्ली गंदा कर दिया है। कल तक कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं उससे दिल्ली गंदा हो गया, अब कह रहे हैं बिहार यूपी के लोग आके दिल्ली गंदा कर दिया, तो चेहरा है नहीं। अब मोदी जी बताइए कितनी बार कोई चीज होता है ना, ऐसा तो होगा नहीं मोदी जी बॉलिंग भी करेंगे और विकेट कीपिंग भी करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं वो प्रधानमंत्री भी रहेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो चेहरे की समस्या है। तो भाजपा के लिए दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जेएनयू है। बजाओ ताली।
यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी 1000 एकड़ में बनी हुई इतनी बड़ी दिल्ली देश की राजधानी के चुनाव का मुद्दा है। डूब मरो यार पानी में। इतने लोगों की समस्याएं हैं, एक यूनिवर्सिटी के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए। और क्रोनोलॉजी यहां का हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि पहले पुलिस से पीटेंगे, उनको लगा कि जो है स्टूडेंट के बीच में थोड़ा गैप आ गया है, कैंपस का सारा सीनियर जो है वो जमा होकर के ब्रह्मपुत्रा चले गए हैं, लीडरशिप जो है वो नए स्टूडेंट के पास है, तो उनको लगा कि दो चार डंडा लगाएगा अपने बाद जो है ठंडा में पानी वानी से भिंगा देंगे तो जो है लोग प्रोटेस्ट करना बंद कर देगा। कैसा बेवकूफ है, ट्रेनिंग कैसे लिया है। एक बार इंसान जब पिट जाता है ना तो कम से कम उससे तो डर खत्म हो जाता है। पुलिस से पिट गए हैं, पुलिस से डर लगता है किसी को बता दी। गुंडा से भी पिट गए तो अब गुंडा से डर लगेगा। तो डरने की जरूरत किसको है? सरकार को। डरने की जरूरत किनको है? डराने चले थे हमको, खुद ही डर रहे हैं और मुद्दा कंट्रोल करने पे लगे हुए हैं। किसी दिन मोदी जी अगर गलती से अपने जूता पे पॉइजन गिरा लेंगे ना, बहुत सारे देश के पत्रकार नहीं रहेंगे। ये हालत है, ये हालत है, मैं आपको बता रहा हूं। एक शब्द नहीं निकलता है इनके मुंह से कि आपके संस्थान का फीस बढ़ा दिया गया है। हम लोग तो चले गए हैं जेएनयू से, आप में से बहुत सारे लोगों ने फीस दे दिया है। हम सिर्फ अपनी फीस की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि कल को कोई आंगनवाड़ी का बच्चा जेएनयू में पीएचडी कर पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, ये सवाल है ना। आज एफटीआईआई का जो आंदोलन है उसका एंट्रेंस फीस जो है उसको 10,000 रुपया कर दिया गया है। ये बहुत आसान चीज है, सोचने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसी कैंपस में अगर आप जानना चाहते हैं तो जानिए, हमने यहां पढ़ाई की है 7 साल। जब एंड सेम होता है ना तो पूछिए लोगों को कि मेस बिल कैसे भरते हैं। 10 दोस्त का लिस्ट बना करके रखा है, 8 दोस्त रिजेक्ट करेगा, 2 दोस्त से आधा आधा पैसा लेगा, तब जाकर के मेस का फीस बढ़ेगा। और फिर वो 8 को भी साइकिल में रखेगा कि अगर इस सेमेस्टर में नहीं तो उस सेमेस्टर में यार कर्जा तो लेंगे ही। दोस्तों तुमको जेआरएफ मिला है, गलती से अगर एडहॉक पढ़ाते हो तब तो पार्टी भी देना पड़ेगा तुमको। चलेगा कैसे जीवन? ऐसे ही चल रहा है ना। सोचिए कि 10,000 रुपए में किसी इंसान का सपना कि वो भी थिएटर आर्टिस्ट बन सकता है वो खत्म हो जाएगा। और देख लीजिए, हम माने हमको किसी भी कम्युनिटी से नफरत नहीं है, लेकिन जो कब्जा है जिसको कहते हैं इलिटिज्म, उस पर तो क्वेश्चन करेंगे ना कि मतलब आप ही मतलब एक्टर हैं, आपका ही बच्चा एक्टर ही बनेगा, आप एडिटर हैं आपका ही बच्चा एडिटर भी बनेगा, आप टीचर हैं आप ही का बच्चा टीचर भी बनेगा, तो हम जिंदगी भर भैंस चराते रहेंगे क्या करेंगे हम? इस पर क्वेश्चन करेंगे ना, क्या हमारे जैसे लोगों के लिए, तमाम जो जेएनयू के वो लोग जो कमजोर तबके से आते हैं, हम हॉबीज में खाली लिखते रहे गिटार प्लेइंग, वांट्स टू प्ले गिटार, अगर मुश्किल से गिटार खरीद भी लिए तो रखा रहेगा। अरे गिटार, हाँ कभी सोचे थे बजाएंगे, ऑफिस ऐसा बजा रहा है कि इसको बजाने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। देखिए लोगों की जिंदगी क्या है, ऑफिस से आने के बाद प्रिय पत्नी को पति से और प्रिय पति को प्रिय पत्नी से बात करने का मन नहीं करता है। इसीलिए ये न्यूज साइकिल का खेला है कि 15 मिनट में हम देश दुनिया का सारा ज्ञान ले लेना चाहते हैं ताकि व्हाट्सएप पे जाकर के बहस कर सकें। और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हमारे महान वाइस चांसलर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अभी तक सुनते थे, जेएनयू को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया ये आदमी, बोला कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, आप इंट्रेंस तो कहां हुआ है, आप जो एंड सेम व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, कमाल का आइडिया है। ये स्थिति है कि किसी भी तरीके से इसको बर्बाद करो, पैसा सही जगह पे खर्च मत करो,
यूनिवर्सिटी के जो एक्चुअल डेवलपमेंट हैं, अभी ठंडा का दिन है, हीटर तो हम लोग लगा ही लेते हैं, कौन एक डिग्री के ठंडी में ऐसे रहेगा भाई, है इलीगल, हम भी जानते हैं, पकड़े जाते हैं तो फाइन भी दे देते हैं, लेकिन बताइए क्या करेंगे। हीटर जब जलाइएगा पुराने हॉस्टल में तो आधा घंटा जलता है, उसमें एमसीडी डाउन हो जाता है, तो एक आदमी खड़ा रहता है उठाने के लिए, देखो हम उठाए हैं पिछली बार, अभी तुम जाके उठाओ। फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से, वाटर कूलर से पानी लाने के लिए लड़ाई होती है, देखो हम दिन में लाए थे पानी, अभी तुम लेकर गए, हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं। और कहां जो है दुनिया भर का क्या क्या बोलता है, कहता है इधर से फंडिंग आया है, उधर से फंडिंग आया है, इतना बदनाम कर रहा है। मांग क्या रहे हैं कि भाई पढ़ने का अधिकार भीख नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है, हम भी देश के नागरिक हैं, हमारे माँ बाप भी टैक्स देते हैं, हमारे दोस्त भी टैक्स देते हैं, पढ़ने दो, पढ़ लेंगे तो कहीं नौकरी करेंगे तो हम भी आईटीआर भरेंगे, भर ही रहे हैं ना। जो आपके टीचर हैं, जो जेएनयू में पढ़े हैं, वो आईटीआर नहीं भरते हैं, नहीं भरेंगे सुबह उनके भी घर पे ईडी आ जाएगा, कहे बहुत जय आंदोलन कर रहे हैं। ये सीधी सी बात है, ये लड़ाई सीधे तौर पे एक वो लोग हैं जो पढ़ने लिखने के अधिकार से इस देश की बहुसंख्यक आबादी को वंचित कर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप लोग हैं जो कहते हैं कि पढ़ने लिखने का अधिकार सबका अधिकार है, और यह लड़ाई सही लड़ाई है, चाहे आपको जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहिए। जो रास्ता आपने इस देश को दिखाया है, देश धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। जिस तरीके से जेएनयू ने संविधान का नारा बुलंद किया, जिस तरीके से जेएनयू ने तिरंगा को दोबारा थामा, तो आज देख लीजिए हर प्रोटेस्ट में सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीए के खिलाफ संविधान का नारा बुलंद होता है और तिरंगे झंडे को बुलंद किया जाता है। मुझे लगता है कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, इस स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को ही स्पिरिट ऑफ जेएनयू कहते हैं। इस जेएनयू के स्पिरिट को सलाम करते हैं, शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी।